क्राइम ब्रांच एवं थाना कोतवाली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। थाना कोतवाली अंतर्गत गोपाल बिहार कॉलोनी में हुई नकबजनी की खुलासा। पुलिस अधीक्षक जबलपुर ने किया था आरोपी की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित। शातिर नकबजन एवं 8 चोरी का माल रखने वाले गिरफ्तार। नकदी सहित चुराए हुए सोने चांदी के जेवर कीमत 21 लाख रुपए के जब्त। सोने की जेवरात जिसमें ब्रेसलेट, कंगन, मंगलसूत्र, चेन, कान के बाले, अंगूठी, हाई चंद्रमा, कान के टॉप्स, कान के झुमके, वजनी 19 तोला सोने के जेवरात तथा चांदी की सिल्ली, करधन सिक्के, पायले, बिछिया कुल वजन 5 किलो 460 ग्राम, चांदी की जेवरात एवं नगद 8,85,000 रुपए तथा नकबजनी में प्रयुक्त किए गए हथियार आला, जरब 3 रॉड, 2 कटर, 4 पेचकस, 2 पिंचिस, 1 आरी तथा एक ऑटो एवं स्कूटी जब्त। टीम भारती न्यूज। तो ये भोपाल में या कोतवाली में रहते हैं। इन्होंने सूचना दी 22 तारीख को सुबह के इनके यहाँ ये लोग हैदराबाद से आए हैं और इनके घर का सामान बिखरा हुआ और चोरी हुई है। उसको पुलिस ने तत्काल किया और उनके घर पर चेक किया। उसके बाद सारी हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम लगी और हमने डिजिटल साक्ष जुटाए, अन्य साक्ष जुटाए और उसके आधार पर हमारी टीम ने इस चोरी का एक दिन के अंदर एक खुलासा किया है। यह उपलब्धि है, काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है। हमारी टीम यहाँ पर भोपाल में लगी हुई थी, रायसेन में लगी हुई थी और अन्य दिनों में भी हमारी टीम लगी हुई थी। और इसमें जो अपराध जो पंजीबद्ध हुआ है वो धारा 457, 380, 401, 411 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध हुआ था। इसमें 9 आरोपी गिरफ्तार अभी हो चुके हैं और 3 और फरार हैं। इसमें पहला आरोपी है मोहित और विवेक मल्ला पिता पप्पू मल्ला, इसमें ये चोरी में इन्वॉल्व है। और इसके अलावा 8 अन्य आरोपी है जो जिन्होंने चोरी का माल रखा था। वो व्यक्ति है रोहित मल्ला, सुरेंद्र चंदन मल्ला, संतोष शर्मा, संदीप शर्मा, सुष्मिता पटेल, दीक्षा मल्ला, बसंती मल्ला। इसमें 3 आरोपी अभी फरार हैं, प्रेमनाथ और पप्पू मल्ला, संजय शर्मा, दुर्गेश पटेल। इसमें जो मशरू का अभी जब्त हुआ है उसमें सोने के जेवरात हैं, जिसमें ब्रेसलेट के अंदर मंगलसूत्र, चेन, कान की वाली, भाई चंद्रमा, टॉप्स हैं। कुल 19 तोला सोना अभी जब्त हो चुका है। साथ ही चांदी के जेवरात, सिक्के, सिल्ली हैं, जिसमें 5 किलो 460 ग्राम चांदी अभी इसके जेवरात अभी जब्त हो चुके हैं। साथ ही नकदी 8,85,000 की नकदी जब्त हो चुकी है। और जो नकदजनी में जो हथियार प्रयुक्त किए गए थे उसमें रॉड कटर, पेचकस, पेंचिस, कागजी ये सब जब्त हो चुका है। इसमें हमारी टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, क्राइम ब्रांच और थाना कोतवाली की पुलिस ने। इसमें थाना प्रभारी कोतवाली और उसके साथ उपनिरीक्षक टेक्सल शर्मा, अनिल कौर, संजय तिवारी और संग्राम बागड़ी और क्राइम ब्रांच की ओर से सहायक उपनिरीक्षक मधुरेश शर्मा, सत्यसेन, अनूप रविशंकर, दोस्तावली, माधव उपाध्याय, इन लोगों की बहुत ही सराहनीय भूमिका रही है। ये हमारे अधिकारी कर्मचारी लगातार 22 तारीख से ही लगे हुए थे और बहुत ही डेडिकेशन से इन्होंने काम किया है। एसपी सर ने इनको पुरस्कृत करने की घोषणा की है और जल्दी ही हम इसमें लगे हुए और अन्य आरोपी भी शीघ्र ही गिरफ्तार होंगे। Subscribe now to most exciting channel ever.